ओम गण गणपतये नमः। प्रभु, इतने वर्षों से मेरे मन में केवल एक ही आस है कि आपकी मां बनने का सुख मुझे प्राप्त हो। अब और प्रतीक्षा मत करवाइए प्रभु, मेरी ममता आपको पुकार रही है। प्रभु, आप मेरी गुहार क्यों नहीं सुन रहे हैं? क्या मेरे भक्ति में कोई कमी रह गई है? प्रभु, क्या आपकी माता बनने का सौभाग्य मुझे प्राप्त नहीं होगा? क्या मैं आपकी माता बनने के योग्य नहीं हूँ? यदि मेरी भक्ति में आपको थोड़ी भी सच्चाई दिखती है तो कम से कम आपके दर्शन सुख का सौभाग्य तो मुझे दीजिए प्रभु। आइए पिताजी, विराजिए स्वर्गलोक के इस सिंहासन पर। विराजिए इस सिंहासन पर बैठने का सौभाग्य आपका है और आपकी सेवा करने का सौभाग्य हमारा है। संकोच मत कीजिए पिताजी, इस सिंहासन को आपके दोनों पुत्रों ने अपने बाहुबल से प्राप्त किया है। आपके आदेश के अनुसार आपके पुत्रों की प्रसिद्धि संपूर्ण संसार में फैल गई है, वो भी बिना रोक टोक। पुत्रों, तुम्हारे तेजस्वी होने से और तुम्हारी ख्याति संसार के कोने कोने में होने का अर्थ ये नहीं था कि तुम अपने बाहुबल का प्रयोग करो। मैं तो बस ये चाहता था कि तुम्हारे ज्ञान की प्रसिद्धि सर्वत्र फैले, क्योंकि बाहुबल जिस दिन मिट जाएगा उस दिन उससे पाया हुआ अधिकार भी मिट जाएगा। पिताजी, हमें ना तो कोई रोक सकता है और ना टोक सकता है। आप व्यर्थ ही चिंतित हो रहे हैं पिताजी, और जो हो भी नहीं सकता उसकी चिंता करके क्या लाभ। हम अजय हैं, अजय हैं पिताजी। इतिहास साक्षी है पुत्रों, जिसने भी स्वर्ग लोक पर अपना अनुचित अधिकार स्थापित किया है, विघ्न और सर्वनाश को ही अपना भाग्य बना लिया है। मुझसे और प्रतीक्षा मत करवाइए प्रभु, इस महाकारी दय अब और विलंब ना सह सकेगा। प्रभु, आपके मां बनने का सुख मेरे आंचल में डाल दीजिए। प्रभु, अब मुझसे और प्रतीक्षा मत करवाइए। सिद्धि बुद्धि सहिताय महागणपतये नमः। संशय और चिंता त्याग दीजिए पिताजी, क्योंकि तीनों लोकों पर अधिकार कर हमने अपनी शक्ति का प्रमाण दिया है। हमें ना तो कोई विघ्न रोक सकता है और ना कोई हमारा सर्वनाश कर सकता है। सर्वनाश तो हम करेंगे उसका, जो विघ्न बनकर हमारे सामने आएगा। विघ्न किसी भी रूप में आए, हम उसका सामना करने को तैयार हैं। वो भी बिना रोक। प्रभु, आपके दर्शन करने के बाद मैं अब आपके पुत्र रूप में भी दर्शन करने को व्यग्र हूँ। अब और प्रतीक्षा मत करवाइए प्रभु, मुझे शीघ्र ही सुख प्राप्ति का आशीष दे दीजिए। प्रभु, माता, आपकी भक्ति और आपकी ममता से मैं अत्यंत प्रभावित हूँ, और आपने तो इस प्रतिमा का निर्माण कर एक प्रकार से मुझे पुत्र रूप में पा ही लिया है। बस अब आपका पुत्र बनकर अवतरित होना ही शेष है।
तो प्रभु इस माँ पर यह कृपा भी कर दीजिए, मेरे घर आंगन में मेरे पुत्र की किलकारी गूंजे, स्वयं आपकी बाल लीलाओं के दर्शन मुझे मिले। प्रभु मैं अपनी सारी ममता आपके ऊपर न्योछावर कर दूं। मैं भी आपके वात्सल्य को पाने के लिए तत्पर हूँ, किंतु क्या प्रभु? किंतु मैं तभी आऊंगा जब आप मुझे एक वचन देंगे। कैसा वचन प्रभु? जिस दिन मेरे अवतार का उद्देश्य पूर्ण होगा, आप मुझे लौटने से नहीं रोकेंगे। कहिए क्या ये आपको स्वीकार है? किसी भी माँ के लिए कठिन ही नहीं असंभव होता है अपने पुत्र को अपने आंचल की छाप से दूर करना, किंतु इस असंभव कार्य को संभव करना होगा आपको। भविष्य में अपनी ममता को विचलित होने से रोकना होगा आपको। समय आने पर आप मुझे नहीं रोकेंगे, ये वचन देना होगा। ऐसा कर सकेंगे आप? नहीं रोकूंगी प्रभु, मैं वचन देती हूं आपको। एक माँ और उसकी ममता किसी शब्द के अधीन नहीं होती। मुझे विश्वास है कि तब मेरे शब्द नहीं, मेरी ममता बोलेगी। मेरी ममता के अथाह सागर में डूबने के बाद आपकी तो स्वयं ही लौटने की इच्छा नहीं होगी, तो फिर मुझे कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं होगी। आप निश्चिंत रहिए, मैं आपसे कुछ नहीं बोलूंगी। उचित है माता, तब मैं शीघ्र आपके पुत्र रूप में अवतार लूंगा, आपके पुत्र रूप में अवतार लूंगा, आपके पुत्र रूप में अवतार लूंगा, आपके पुत्र रूप में अवतार लूंगा। इस माँ की ममता का प्रणाम स्वीकार करें प्रभु। माँ के मन में तुम्हारे आने की आस जागृत हो चुकी है। अब इस माँ से और प्रतीक्षा मत करवाना पुत्र, शीघ्र आकर अपनी माँ का आंचल थाम लेना। माता माता माता, तुम्हारी मधुर वाणी से ये शब्द सुनना चाहती है ये माँ। तुम्हें देखने के लिए मेरे नयन तरस रहे हैं पुत्र।
अब और विलंब मत करना पुत्र, शीघ्र से आ जाना। स्वामी, हमारी इच्छा पूर्ण होने वाली है, प्रभु ने हमारी सुन ली स्वामी, अब वो शीघ्र ही हमारे पुत्र के रूप में आने वाले हैं। जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अपने कोमल से पुत्र के लिए तुम्हारी माँ ने ये छोटी सी कोमल सी गद्दी बनाई है स्वयं अपने हाथों से। अब और प्रतीक्षा मत करवाओ पुत्र, अब बस आ जाओ। कोमल से वस्त्र छोटे छोटे से पात्र जिनमें अग्नि समाई ममता की मात्रा। तुम्हारा मुख नन्हा होगा तो तुम्हारे भोजन के पात्र भी तो नन्हे होने चाहिए ना, इसलिए देखो तुम्हारी माता ने कितने नन्हे से भोजन पात्र बनाए हैं तुम्हारे लिए। पुत्र, तुम्हारी माँ ने स्वयं अपने हाथों से कितने प्रकार के स्वादिष्ट पकवान बनाए हैं, अब और प्रतीक्षा मत करवाओ पुत्र, तुम बस आ जाओ। माता। पुत्र। कहाँ गए तुम? माता, माता, पुत्र, माता, पुत्र गणेश, जहाँ देखती हूँ बस तुम ही तुम दिखाई देते हो पुत्र। देखो कैसे बिखर गया है ये मोदक, जैसे इसे भी पता है कि इसे खाने वाला यहाँ से बहुत दूर है, अपनी इस माँ से बहुत दूर। मैंने तुम्हें वहां जाने तो दिया किंतु अपनी पूर्व अवतार की माता से मिलकर उनकी ममता पाकर
कहीं अपनी इस माता को भूल ना जाओ। समय बड़ा बलवान होता है मूषक जी, वो सब कुछ परिवर्तित कर देता है, किंतु माता की ममता इस युग की हो अथवा उस युग की, वो कभी परिवर्तित नहीं होती। तुम्हारी माँ ने धूप से कोमल आसन तैयार किया है तुम्हारे लिए। अब इस धूप भरे कोमल आसन पर क्रीड़ा करने से तुम्हें बहुत आनंद आएगा पुत्र। इस माँ की ममता को और मत तरसाओ पुत्र, शीघ्र ही आ जाओ। देवी, ईश्वर तो धीरज, निरंतरता और दृढ़ता के प्रेमी होते हैं। निरंतरता और दृढ़ता तो आप में है, बस अब थोड़ा धीरज रखिए। अधीर होना उचित नहीं है देवी। अभी कुछ ही दिनों पहले की तो बात है, और यदि ईश्वर ने वरदान दिया है तो वो उसे पूर्ण भी अवश्य करेंगे। माँ का मन तो अपनी संतान के लिए सदैव अधीर ही होता है स्वामी, और कुछ ही दिन आपके लिए होंगे, मेरे लिए तो प्रत्येक क्षण एक युग के समान है। माता, अब तो हम देवताओं के लिए भी एक एक दिन एक एक युग के समान हो गया है। प्रणाम मृताजी। प्रणाम माता। कितनी दयनीय दशा हो गई है मेरे पुत्रों की। कितने असहाय हो गए हम माता। दुष्ट ने हमारे पीछे गुप्तचर लगा दिए, वो किसी भी क्षण हमें ढूंढ सकता है। उन दुष्ट उठाता हूं। नरांतक और देवांतक को यदि ये ज्ञात हो गया कि हम इन्हीं तीनों लोकों में से कहीं पर हैं, तो वो दुष्ट बड़ी निर्दयता से हमें सदा के लिए अपने मायावी कारागार में बंदी बना लेंगे। उसके आतंक के कारण हम यहां वहां भटकने पर विवश हो गए हैं माँ, और अब हमारी निराशा और भी बढ़ती जा रही है। नहीं पुत्र, नहीं। आशा कितनी भी छोटी हो, निराशा से सदैव बड़ी होती है। तब चाहूं और प्रकाश ही प्रकाश फैल जाता है, इसलिए पुत्र निराशा त्याग कर आशा के दीप जलाओ, क्योंकि अब शीघ्र ही महागणाधिपति उन दुष्टों का संहार करने के लिए अवतार लेने वाले हैं। किंतु पिताश्री, वो अवतरित कब होंगे? वो आएंगे अवश्य, ये विश्वास है हमें, किंतु हम इस स्थिति में कब तक रहेंगे ये हमें ज्ञात नहीं। माता जी, आप ही बताइए कब आएंगे प्रभु। हे प्रभु, अब आप ही से हमें अपेक्षा है। शीघ्र अवतार लेकर हमारे समस्त कष्टों को और विघ्नों को हरने की कृपा कीजिए। देवराज इंद्र, वहां कोई है, हमें शीघ्र अतिशीघ्र यहां से निकलना होगा। आप उचित कह रहे हैं अग्निदेव। माता, पिताश्री, हमें आज्ञा दे। पुत्र, कैसी दूर दशा हो गई है मेरे पुत्रों की, कि थोड़ा समय अपने माता पिता के साथ बिताने के लिए भी ये लोग मुक्त नहीं है। अब इस माँ के मन को शांति तभी मिलेगी प्रभु, जब आप मेरे पुत्र बनकर आएंगे और देवांतक और नरांतक रूप में संकट को हरेंगे। तब तक मैं ऐसे ही आपकी प्रार्थना करूंगी।
प्रभु, यदि अब भी आपके आगमन का संकेत मुझे ना मिला तो मुझसे अभागन कोई ना होगी प्रभु। भले इस आश्रम के सभी दिए बुझ जाएं, किंतु मेरे हृदय का दीपक आपकी आस में जलता ही रहेगा प्रभु। कहीं मेरा मन रखने के लिए आपने मुझे वो वचन तो नहीं दिया ना प्रभु? यदि ऐसा है तो ठीक है, मैं आपको आपके वरदान से मुक्त करती हूँ। नहीं प्रभु, अब और प्रतीक्षा संभव नहीं है मुझसे। इस माँ के धीरज का बांध अब टूट चुका है। आपने वरदान दिया है तो आप उसे पूर्ण कीजिए अभी। और ये मैं आपको एक भक्त के नहीं, एक माँ के अधिकार से कह रही हूँ। यदि आपको आना है तो आपको अभी आना होगा। उचित है प्रभु, तो फिर मैं यहां से जाती हूं। माँ, 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 बाल विनायक पुत्र का अर्थ बताने से मिटाने आया। आज्ञाकारी माता का बस माँ को जाने, माता की आज्ञा को वह सर्वोपरि माने। जीवन समर्पित है तुझको माता, सांस सांस अर्पित है तुझको, सांस सांस अर्पित है तुझको माता। सुंदर मुख तो मुझे देखने दो। बाल विनायक पुत्र का अर्थ बताने आया, विघ्न के बादल माँ के मन से मिटाने आया। आज्ञाकारी माता का बस माँ को जाने, माता की आज्ञा को वह सर्वो समर्पित है तुझको माता, सांस सांस अर्पित है तुझको माता, सांस सांस अर्पित। मेरा पुत्र मेरे सामने है प्रभु, आपने इस माँ की ममता की पुकार सुन ली, आप आ ही गए मेरे पुत्र। पुत्र, तुम आ गए पुत्र, तुम आ गए।
हाँ माता, आपका आदेश आपका पुत्र कैसे टाल सकता था? नहीं नहीं पुत्र, वो तो बस एक माँ की ममता थी। मुझे क्षमा कर देना पुत्र, मैंने तुम्हें यहाँ आने के लिए विवश तो नहीं किया ना? माता, क्षमा आपको नहीं मुझे मांगनी चाहिए, जो आपसे इतनी प्रतीक्षा करवाई। किंतु मुझे तो आना ही था, आपकी ममता से मैं कैसे वंचित रह सकता था? मैं बहुत प्रसन्न हूँ पुत्र, मैं तुम्हारे आने से बहुत प्रसन्न हूँ। देवी, देवी, माँ का अधिकार तो पुत्र पर होता ही है, किंतु उसके पिता को भी तो उस पर स्नेह वर्षा का अवसर दीजिए। देवी, देवी, आपको अवसर अवश्य मिलेगा स्वामी, पहले मुझे तो जी भर कर इसे देखने दीजिए। पुत्र, कल्याण हो पुत्र। पिताश्री, माता ने मेरी मूर्ति की रचना की, मुझे आकार दिया, अब आप मुझे आशीर्वाद स्वरूप मेरा नाम देने की कृपा कीजिए। पुत्र, तुम्हारा आगमन दिव्य प्रकाश से हुआ है, जो तुम्हारी अद्भुत कांति का कारण है। तुम बल और बुद्धि दोनों में समृद्ध हो, इसलिए तुम महोत्कट हुए और अपने ओज के कारण सब तुम्हें महानायक मानेंगे। तुम्हारा नाम होगा महोत्कट विनायक, तुम्हारा नाम होगा महोत्कट विनायक, तुम्हारा नाम होगा महोत्कट विनायक। जय गणपति, जय विनायक। महोत्कट विनायक, महोत्कट विनायक, महोत्कट विनायक। इस युग में सबका विघ्न हरने एवं पाप का विनाश करने महागणाधिपति के प्रथम अवतार महोत्कट विनायक का आविर्भाव हो चुका है। दाता देवान तक हमें कोई नहीं रोक सकता। बहुत बड़ी भूल कर दी उसने जन्म लेकर। भ्राता देवांतक, भ्राता सुनिए। भ्राता, भ्राता श्री शांत हो जाइए। भ्राता श्री अत्यधिक क्रोध एवं उत्तेजना कोई ना कोई भूल अवश्य करवाती है, इसलिए शांत हो जाइए। शांत हो जाऊं? ये समय शांत होने का नहीं है भ्राता। जब काल बिना रोक टोक आपके शीश के ऊपर मंडरा रहा हो, वो समय उसको मिटाने का, उसको रोकने का होता है। शांत भ्राता श्री शांत। मिटेगा भी और झुकेगा भी। जो हमारा काल बनकर हमें चुनौती देगा उसका अंत तो अवश्य होगा, किंतु इस तुच्छ कार्य के लिए भला आपको जाने की क्या आवश्यकता? आपका तात्पर्य क्या है भ्राता? भ्राता श्री, अभी तो उस बालक के मात्र जन्म की घोषणा हुई है, एक छोटा सा बालक है। भ्राता श्री, जो श्वास हमारे विरुद्ध बहना आरंभ हुआ है, इसके लिए तो हमारे मायावी असुर ही पर्याप्त हैं, जिन्हें हमने देवताओं को ढूंढने का कार्य सौंपा है। उचित कह रहे हो भ्राता, हमारी कुदृष्टि जिस पर पड़ जाती है ना, उसका बुरा समय आरंभ हो जाता है। hmm.
इससे तुम पर किसी की भी कुदृष्टि का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा पुत्र। मेरे पुत्र को भूख लगी होगी, है ना? मैं अभी जाकर तुम्हारे लिए कुछ स्वादिष्ट पकवान बनाकर लाती हूँ, ठीक है? आज प्रथम बार माता अपने हाथों से बनाकर कुछ खिलाएंगी मुझे, तो अवश्य वो अत्यंत स्वादिष्ट होगा। माता, शीघ्रता कीजिए, आपके हाथों के भोजन की लालसा में मेरी भूख और बढ़ गई है। माता, इतने सारे पकवान एक साथ? हाँ हाँ, सब कुछ बनेगा। खीर, हलवा, शीरा, पूरी, मालपुए, लड्डू, चीकी, मेरे अन्य पुत्रों के प्रिय भोजन क्या है मुझे ज्ञात है, किंतु विनायक को क्या भाएगा मुझे नहीं पता, इसलिए सब कुछ बनाना पड़ेगा। गणेश, मेरा पुत्र। पुत्र गणेश, पुत्र नहीं आया। मैं क्या करूं स्वामी, पुत्र गणेश यहाँ नहीं है, तो जैसे किसी काम में मेरा मन ही नहीं लगता, ना भोजन पकाने में और ना भोजन करने में। आपकी व्यथा मैं समझ सकता हूँ प्रिय, पुत्र दूर गया है तो आपका मन कैसे लग सकता है। एक माँ के भीतर की शक्ति तो तभी आती है जब उसका पुत्र मीठे बोल से कहे कि माँ मुझे भूख लगी है, माँ मुझे भोजन दीजिए ना, माँ मेरी सहायता कीजिए। और कभी अपनी माँ के सामने बैठकर अपनी रूठी माँ को मनाए, तो कभी स्वयं रूठकर अपनी माँ से लाड़ प्यार की आशा करे। किंतु आज स्वामी, मेरे गणेश के बिना कितना सूना हो गया है हमारा कैलाश, सूना हो गया है हमारा कैलाश। बस माता, अब तो मैं भी शीघ्र अपना पूर्व में किया वचन निभाकर आपके पास लौट आना चाहता हूँ। फिर क्या हुआ प्रभु, आगे बताइए ना। माता, शीघ्रता कीजिए ना, बहुत भूख लगी है। ये कालकूट विष है जिसके सूंघने मात्र का परिणाम ही मृत्यु है। आहा, इतने सारे स्वादिष्ट पकवान, क्या खाऊं क्या ना खाऊं। ये लो पुत्र, थोड़ा थोड़ा सब चख लो, फिर तुम्हें जो भी अच्छा लगेगा ना, वो बाद में तुम और ले लेना। खा लो, वैसे भी ये तुम्हारे जीवन का अंतिम भोजन होने जा रहा है। पुत्र ये चखो ना। अच्छा ये बताओ, इनमें से तुम्हें सबसे स्वादिष्ट कौन सा भोजन लगा, ये वाला या फिर वो जो पहले खाया था वो? माता, मुझे तो प्रत्येक पकवान पिछले पकवान से अधिक स्वादिष्ट ही लग रहा है। तो फिर पुत्र, इन सबके नाम ज्ञात कर लो तुम, तभी तो अपनी माँ को बता पाओगे ना कि तुम्हें कौन सा भोजन अधिक स्वादिष्ट लगा और क्या चाहिए तुम्हें। ये देखो, ये हलवा है, और यह चूरमा, और ये खीर, और ये मालपुआ।
पुत्र और खाओ ना, संकोच मत करो। चखो बालक, जो मैंने परोसा है वो भी चखो, फिर कुछ चखने की आवश्यकता नहीं रहेगी। ये लो पुत्र, जल पियो। ये लो पुत्र, जल पियो। नहीं माता, अभी मुझे जल नहीं, लड्डू चाहिए। हाँ हाँ, ये लो खाओ। विरजा का बार खाली नहीं जा सकता। अब मैं इस पूरे भोजन पर विष छिड़क दूंगी, तब तो ये विषयुक्त भोजन तुम्हें खाना ही होगा। अद्भुत माता, इनका तो स्वाद सबसे उत्तम है, मुझे दो और दीजिए ना। और लो ना पुत्र, ये सब तुम्हारे लिए ही तो है, लो। माता देखिए ना, मेरा पेट तो भर गया किंतु मन नहीं भरा। मैं समझ गई पुत्र कि भोजन में तुम्हें सर्वाधिक प्रिय क्या है। माता ये पुष्प कंगन। ओह, इसके तो सारे पुष्प झड़ चुके हैं। त्रिलोकाधिपति, मुझ कंदर को आज्ञा दीजिए, अभी जाकर उस दुष्ट बालक के प्राण सोख लूंगा। नहीं कंदर, नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे। तुम्हारे लिए तो अभी एक अन्य अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है हमारे पास। हमारे पंचराक्षस किस दिन काम आएंगे? वो जाएंगे उस बालक का वध करने के लिए। पूर्ण विश्वास है मुझे, अवश्य सफल होंगे वो। पुत्रो, इतनी कठिन परिस्थितियों में भी तुम सभी इस अवसर पर उपस्थित हुए, मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। माता, आज हमारे भ्राता विनायक का उपनयन संस्कार है, तो हम भला कैसे नहीं आते? और अब जब वो स्वयं यहाँ उपस्थित है, तो हमें उन दुष्टों नरांतक और देवांतक के विषय में तनिक भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं। बस अब हम पंच राक्षस यहीं तुम्हारा अंत करेंगे बालक। अश्विना भगः स्वस्ति देव्यदितिर्नरवणः स्वस्ति पूषा असुरो दधातुनः स्वस्ति द्यावा पृथिवी सुचेतुना। भिक्षा दीजिए माता। प्रभु, अपने वास्तविक रूप में हमें दर्शन देने की कृपा करें।
मेरी भेंट स्वीकार करो पुत्र। पंच राक्षस मारे गए, महोत्कट विनायक ने उनका भी वध कर दिया। देवान तक राता श्री शांत शांत हो जाइए। हे प्रभु महोत्कट विनायक जी, हमारी सहायता करने की कृपा करें। हाँ प्रभु, हमें नरांतक एवं देवांतक रूपी दुष्टों से मुक्ति प्रदान कीजिए। आप चिंता मत कीजिए संदीप जी, बस आप विवाह की तैयारियां कीजिए, मैं इस विवाह में विघ्न नहीं आने दूंगा। राजभवन का द्वार कर गया। सैनिकों रुक जाओ, दुष्ट असुर आगे मत बढ़ो। जो मुझे रोकेगा वो नहीं बचेगा। अभी से आतंकित हो उठे। सुनो काशी नरेश, मैं कंदर हूँ, त्रिलोकाधिपति देवांतक को नरांतक का दूत हूँ। तुम्हें उनकी अधीनता स्वीकार करनी होगी, और यदि ऐसा नहीं किया तो तुम्हारे पुत्र के विवाह के स्थान पर युद्ध की तैयारी करनी होगी। अपने पुत्र के मंडप के स्थान पर उसकी चिता तैयार करनी होगी। पाप और अधर्म का अंत निश्चित है। संस्कारी माता पिता के पुत्र होते हुए भी नरांतक और देवांतक अपने कर्म रूपी गागर को पाप और अधर्म से भर रहे हैं। ऐसे पापी और अधर्मियों का अंत ही उनकी नियति है, और उन्हें उनकी नियति से भेंट करवाना, उनका अंत करना, यही मेरे अवतार का उद्देश्य है। प्रभु महोत्कट विनायक जी की जय। प्रभु महोत्कट विनायक जी की जय। प्रभु महोत्कट विनायक जी की जय। शीघ्र उन पापियों का अंत होगा, तब तो मेरे पुत्र का उद्देश्य संपन्न हो जाएगा। और तब जिस दिन मेरे अवतार का उद्देश्य पूर्ण होगा, आप मुझे लौटने से नहीं रोकेंगी। अग्निदेव द्वारा नरांतक एवं देवांतक से मुक्ति दिलाने की विनती के कारण कदाचित माता व्यथित हैं, क्योंकि ये तो उन्हें भी ज्ञात है कि इस उद्देश्य की पूर्ति के पश्चात मेरे अवतार का प्रयोजन समाप्त हो जाएगा और मुझे माता से विदा लेना पड़ेगा। कभी न देख पाने की कल्पना मात्र से मेरा मन डूबा जा रहा है।
तो जब तुम चले जाओगे तो उस पीड़ा को मैं कैसे सहूं? आपसे दूर जाने की पीड़ा सहना तो मेरे लिए भी कठिन है माता। पुत्र को माता, मैं आपसे दूर नहीं जाना चाहता, नहीं जाना चाहता मैं, किंतु नियति से तो कोई भी पार नहीं पा सकता। कहिए राजन। ऋषिवर, मेरा यहाँ आने का एक विशेष कारण है। मैं आपको अपने पुत्र के विवाह का निमंत्रण देने आया हूं, और उसका दुखद कारण ये है कि दो अधर्मी भ्राता इस शुभ कार्य में विघ्न उत्पन्न करना चाहते हैं। आप ऋषिवर, प्रजापति ऋषि कश्यप वहां उपस्थित होंगे तो हमें उन दोनों के आतंक से मुक्ति मिलेगी। आपकी उपस्थिति में कुछ अशुभ नहीं होगा और ये विवाह संस्कार बिना विघ्न के हो जाए। कौन है ये दो भ्राता काशी नरेश? नरांतक और देवांतक। इसलिए ऋषिवर, आपका वहां उपस्थित होना अत्यंत आवश्यक है, तभी मुझे उस आतंक से मुक्ति मिलेगी और इस विवाह का संपन्न होना संभव होगा। नरांतक एवं देवांतक का अंत करना ही मेरे इस अवतार का मुख्य उद्देश्य है। हे राजन, यदि नरांतक और देवांतक आपके विघ्न बने हैं तो आपको मेरी नहीं, मेरे पुत्र विनायक की आवश्यकता है। आप उसे अपने साथ ले जाइए। जिस दिन मेरे अवतार का उद्देश्य पूर्ण होगा, आप मुझे लौटने से नहीं रोकेंगी। ऋषिवर, वैसे तो आपके सुझाव पर संदेह करना उचित नहीं, किंतु विनायक तो मात्र बालक, वो उन असुरों को कैसे रोक पाए? विश्वास रखिए राजन, मेरे पुत्र का साथ आपका कुछ अशुभ नहीं होने देगा। आप निश्चिंत होकर इसे अपने साथ ले जाइए। पुत्र विनायक, काशी नरेश को तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है, और कुछ समय की ही तो बात है। उनके पुत्र का विवाह संपन्न होते ही तुम लौट आना। पिता की आज्ञा तो पुत्र के लिए सर्वोपरि है, किंतु आपको भी ज्ञात है पिताश्री, नरांतक और देवांतक ही मेरे अवतार के उद्देश्य हैं। उनका वध हुआ तो फिर मैं यहाँ नहीं लौट सकूंगा, क्योंकि यही नियति है। उद्देश्य पूर्ण होने पर अवतार की अवधि भी समाप्त हो जाती है। किंतु पिताश्री, मैं माता से दूर नहीं जाना चाहता। उनसे बिछुड़ना, उसकी कल्पना मात्र मेरे लिए सहस्त्रों विषैले कंटकों के चुभन के समान है। मैं माता के आंचल की छाव नहीं खोना चाहता पिताश्री। अभी मुझे आए हुए समय ही कितना हुआ है, मेरी प्रतीक्षा में माता ने कितनी पीड़ा सहन की थी, तो अब बिना उनकी इच्छा के, बिना उनकी आज्ञा प्राप्त किए भला मैं कैसे जा सकता हूँ?